देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी में आज यानी 3 सितंबर को करहल विधानसभा क्षेत्र के बरना हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। बता दें कि सीएम योगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास व जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 3:55 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान आज यानी 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश में 10 करोड़ और राजस्थान में 1,25,00,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि ये सदस्यता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली आज यानी 3 सितंबर को जैम 2025 यानी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगा। बता दें कि जो भी छात्र जैम 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jam2025.iitd.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। क्लासिक लीजेंड्स भारतीय बाजार में आज यानी 3 सितंबर को अपनी जावा 42 का स्पोर्टी वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि इस बाइक के बारे में कंपनी ने ज्यादा खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ कुछ नए रंग विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नाकला के सहयोगी निर्देशक डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान मेला मजीठा स्थित दाना मंडी में आज यानी 3 सितंबर को लगाया जाएगा। बता दें कि उन्होंने ये मेला पहले नागकला जहांगीर में लगाया जाता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। जोधपुर राज्य के DLED कॉलेजों में अभ्यर्थियों को आज यानी 3 सितंबर तक रिपोर्टिंग करनी होगी। बता दें कि रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि आज है। निर्धारित तिथि तक कॉलेजों में नहीं पहुंचने पर अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आज से बुनियादी केंद्र में लगेगा शिविर। सुपौल सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आज से 6 सितंबर तक बुनियादी केंद्रों में शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के समस्या का निदान किया जाएगा। बलिया के बेल्थरा रोड नगर में आज यानी 3 सितंबर को ऐतिहासिक महावीरी झंडा जुलूस का आयोजन होगा। बता दें कि महावीरी झंडा जुलूस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जुलूस के एक दिन पूर्व यूनाइटेड क्लब प्रांगण में, एक दिन बाद मानस मंदिर रेलवे चौराहा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। खुरई नगर में खुरई जिला बनाओ के समर्थन में आज यानी 3 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। बता दें जिसके समर्थन में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिला बनाओ संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान करते हुए सभी को सड़कों पर उतरने को कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश का मौसम इसी तरह स्थिर रहेगा। बता दें कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि धूप और उमस भी बनी रहेगी। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1923 में सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया था। आज ही के दिन 1971 में कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज ही के दिन 1976 में भारतीय अभिनेता विवेक ओबेरॉय का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 2004 में रूसी सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से स्कूल मुक्त कराया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।